वैमली मारी छोरी की बारी आ गई से। आपको क्या लगा मारी छोरी छोरों से कम है क्या? गाइस वेलकम बैक, इट इज द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट कमेंटेड, द मोस्ट आस्क्ड ये द मोस्ट चैलेंज हम लेकर आ गए हैं, और ये चैलेंज में आज जो भी करना है दीक्षा ने करना है, तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं दीक्षा को। सो 3, 2, 1 ये यार एक सेकंड मुझे एक बात बताओ, ये क्या छोरी छोरों से कम है, ये सब मैं समझी नहीं। बेटा तुमने मेरे ये डायलॉग कहाँ से आ गए आपके? गाइस इसने मेरे चैलेंज के टाइम पे इसने इतना मतलब ड्यूटी, ये क्या आपको यार आपके तो मैं प्यार की बात कर रही थी ना, उसके मेहंदी लग चुकी है, गोद उभराई हो चुकी है, बच्चा आ चुका है, बच्चा स्कूल चला गया, तुम मेरे मुद्दे पे छोड़ के अपने मुद्दे पे आओ। नहीं यार गाइस मैंने पहले कहा था कि ये चीजें मत लिखना, मुझे ये सब करने का शौक नहीं है। मुद्दा बड़ा सिंपल सा है कि तीन लड़के आएंगे, उनको एक चिट मिली है, उसमें लिखा है लवर और या फिर लिखा है नॉट यू। मैंने पहनी है इस चैनल पे, एक ही बंदा जैकेट उतारो, जैकेट उतारो, डॉलर दिखाई थी ना मसल, ओ पहले जैकेट पहनो जूता। यार ये तो लड़कियां और क्या बात करती हैं, आप मुझे बताओ क्योंकि मुझे पता नहीं है, आई डोंट हैव ए एक्सपीरियंस। इतनी सुंदर हो तुम कि मैं क्या पूछने वाला तो वही भूल गया। डैम यार इसको चश्मा दो यार, ये गलत बात है बेटा, उसको क्या पता ना दिखता हो। मतलब आपको कहने का मैं सुंदर नहीं हूं? बहुत यार हूँ ना। अच्छा सो क्या करते, क्या हुआ? मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ एंड आई एम डन एविएशन, सो अभी तो पढ़ रहा हूँ। अच्छा अभी पढ़ाई चल रही है, एज पूछो कितनी है आपकी, क्या लग रहा है आपको? एविएशन पढ़ी जा रही है, बहुत हो गया। आजू बाजू भी नहीं देख रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ बस, तुम नहीं देख रहे तुम ऐसे। यार जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मतलब कोई मुझे पता नहीं क्या बंदे का इंटरेस्ट है, इसको बता ना, मुझे थोड़ा पता सिवाय मुझे ना समझ लगता है वो सामने खड़ा, कम से कम हेलो तो यार मैं उधर फैमिली से बात कर रही हूं,
घबराहट दूर कर रही है से बात करके। हमें ना तू इधर बात करो, चल रेडी बैठा है। सो आपका नाम? मेरा नाम है शशांक शेट्टी। मैं बेसिकली मिक्स ब्रीड हूँ, साउथ इंडियन एंड पंजाबी का। तो पंजाबी आती है? नहीं यार, कैसे पंजाबी हो यार? वैसे तो तुम लोग साउथ इंडियन आती है, पूछो साउथ। नहीं कैसे सर, तुम हो कहाँ के? बीच का। बीच का मुंबई। मुंबई क्या बात है। आप करते क्या हो? मैं एक्टिंग करती हूँ और कुछ आता नहीं उसके अलावा। उसके अलावा कुछ नहीं करती, घर पे सोती रहती हूँ। आलस करती हूँ। बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट। सफाई करनी है आपकी यार। इन लोगों को पता है, इनको कुछ नहीं छुपा हुआ इनसे। वो भी चल रहा कौन लोग, मतलब ये कैमरा पे जो लोग देखते हैं उनको सब बताओ ना, करते क्या हो तुम? बाकी मैं कुछ नहीं करती, बैठ के बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे नॉवल रीड करना बहुत पसंद है। मेरे को बिल्कुल नहीं। कहाँ से ऐसी लाइन बोले? लेके चले जाओ उसमें पिकअप लाइन क्या? बस बस बस, राम 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 ठीक है ना? देखो ये बात है, पंजाबी है ठीक है ना? तो क्या पसंद क्या है? मैं मॉडलिंग करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ और तो कुछ नहीं करता, बाकी घर पे सोता हूँ मैं भी। तो ये नाइस, ये खुद ही फ्रेंड बना देती है। अच्छा तुम्हें चोट लगी थी जब तुम ऊपर से गिरे? मुझे किसी ने नहीं लाइन में ऐसे बोला, हाँ क्या पूछ रहा हूँ क्या? पूछ रहा हूँ क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या? इतनी दूर से तेरे तैयार हो गया, तू क्या पूछ रही है? मतलब तुम्हारे लिए वो फेक। मैं दो मिनट चुप रही हूँ, क्या ऐसे कौन बात करता है? मैं मॉडल हूँ और कंप्यूटर इंजीनियर भी। ग्राफिक कार्ड एंड सीपीयू क्या होता है? ग्राफिक कार्ड सीपीयू के अंदर डलता है। ग्राफिक कार्ड सीपीयू के अंदर लगता है? हाँ। मतलब लगता, सीपीयू तुम्हारे मदरबोर्ड में लगता है? क्या है, फुद्दू बनाया है, कुछ इंजीनियर नहीं किया है, पक्का पैसे देके पास आया है। ग्राफिक कार्ड सीपीयू के अंदर कैसे लगता है? सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर लगता है। अच्छा नहीं, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर लगता है। मैं जीत डिपेंड करता है, कमेंट्स में। हाँ कमेंट्स, हाँ कमेंट गाइस, कमेंट करके बताइए। मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर। कैबिनेट उसका एक बड़ा सा बॉक्स होता है, यार ये बीच में एक मदरबोर्ड फिट किया जाता है, फिर एक सीपीयू लगता है, फिर रैम्स लगती है, फिर मेमोरी लगती है, फिर ग्राफिक कार्ड लगता है, फिर पावर सप्लाई लगता है। अब आपका क्या कहना है इस पर, प्लीज बताइए। वो गेमिंग पर्पसेस वाले, मैं समझ जाता हूं गेमिंग वाले। मुझे लगा कहने लगा। Oh,
इधर देख कौन से तूने मुंह धोया। हां अब बात कर यार, ये क्या बात है जी, बताओ कैसे हो आप, क्या करते हो गंदी चुड़ैल। बर्गर खाने दीक्षा क्या कर रही है दीक्षा यार, देखो कैसे मॉडल के सामने ऐसे बात कर रहा है ऐसे, लुक एट हिम प्रॉपर बर्गर खाने आई थी। सिर्फ बात कर, वो जो फिल्म नहीं आ रही शाहरुख खान की डंकी, हां और डंकी में बंदे ने काम भी किया गाइस। हां क्या बात है यार, मारो अपनी बातें करी जाओ, वो बंदे ने डंकी लाई है कर दी। दाढ़ी काटो क्यों काटो, किसी के तो अच्छी अच्छी आती है। हाँ तो आती है तो लगे, मॉडल ने कहा है जो इतनी जगह काम कर चुका डंकी में, पता है शाहरुख खान के साथ आई है। हाँ सो गाइस अब है टर्न राउंड टू की और मैं लेने वाली हूँ इन सबकी परीक्षा। मतलब अभी मेन मुद्दा है कि यार कि मैं कैसे पहचानूंगी कि ये बंदा मेरा लवर है या नहीं। पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि मेकअप के बारे में कितनी नॉलेज है, बिकॉज मुझे मेकअप बहुत पसंद है। उनसे मेकअप का पूछ रही है, क्या कहा था मैंने यार, मतलब कोई लड़के को कौन मतलब मेकअप का क्यों पूछ, कोई लड़की होती बंदा मान लेता है। वही यार एक लड़के को पूछो कि उसको क्या क्या पसंद है यार, एक लड़की ने शर्म आनी चाहिए दीक्षा शर्मा, यू आर डिस्ग्रेस टू शर्मा फैमिली। आई एम जस्ट किडिंग। सो एज अ मॉडल मेरे को मेकअप लाइक बेसिक तो इतना नॉलेज है कि बता सकता हूँ आप जितना पूछना चाहोगे। अच्छा इतनी है, इतनी है, देख लो। हाँ देख लेंगे। ठीक है तो ये क्या है, ये फाउंडेशन है, ये कंसीलर है, ये आईलाइनर है, ये लिपस्टिक है, ये और तो स्पंज है यार, इसमें क्या बताना। इसको स्पंज तो नहीं बोलते, इसको ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये दो चीजें गाइस करेक्ट की है, बाकी सब ये लिपस्टिक है। आईलाइनर ये इस कलर का कौन सा आईलाइनर होता है पहले ये बताओ। अभी इतना मॉडर्न कर दिया तुम लोग ने यार, इतना बेसिक तो मेरे को तो ये लगेगा, मैं थोड़ी रोज यूज करता आईलाइनर, मैं क्यों यूज करूंगा। कोई लोग नहीं नहीं कोई 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 मॉडल्स लगाते हैं यार, सबको कहना कि गाइस ये है फाउंडेशन, ये वाली मैं तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं इसका। ऑब्वियसली यार, अच्छा। मतलब मेरे साथ जिस बंदे ने रहना है मतलब उसको ब्लॉगिंग तो आनी चाहिए। अच्छा मैं इसका ब्लॉगिंग करूंगा तुम्हारे साथ रहेगा। हां ऑब्वियसली यार, सिंपल सी बात है। नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, ये तो करना पड़ेगा। काफी फनी हो रही हो। मैं हूं फनी, मैं तो हूं, मैं तो कहती हूं मैं फनी हूं। यार ए गुड़ी भाई, एक गुड़ी जिंदा ना दीक्षा, पागल है पागल है पागल है भाई, लड़कों को बोल रही मेकअप लगाओ भाई, हमारे तक ठीक था, लड़के को क्यों करवा रही है। करना क्या है बेसिकली कि इधर कैमरे में देखना और उनको यू नो फुल बताना। अच्छा मेरे को अपने मैं अपने आप को देख भी नहीं सकता, मैं कैमरा पे देख के करूं। हां ऑब्वियसली यार, सब सब इतना मैं एक्सपीरियंस। अच्छा तुम तो ऐसे बोल रही जैसे मैं रोज लगाता हूं यार, मॉडल हो लगाते हो। हां तो रोज थोड़ी लगाता हूं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूं करना क्या। ऐसे करना कि गाइस ये फाउंडेशन अभी मैं अप्लाई कर रहा हूं, फिर पहले वो करके फिर ऐसे ऐसे प्रॉपर करना है, फिर उसके बाद लगाना है कंसीलर। क्या क्या कैसे करना है, यार मैं चार बार नहीं करूंगी। तो ऐसे ऐसे अप्लाई करना है और उसके बाद लगाना है कंसीलर। कंसीलर तो सबको पता है किस चीज के लिए यूज होता है, तो उनको बताना कि गाइस ये कंसीलर है। बस यार अभी मैं सब थोड़ी ना बताऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं करती रहूंगी, मैं तो चुप नहीं करने वाली, पर करना पड़ेगा अभी। साथ में बोलना भी है कि गाइस मैं ऐसे लगा रहा हूं, बोलना बहुत जरूरी है। ये ट्रॉमा कम है मेरे लिए, ये ट्रॉमा नहीं है, ये ट्रॉमा कम है मेरे लिए कि मेरे को बोलना भी है। देखो ये ट्रॉमा नहीं है, ठीक है, ये मैं इसके लिए नहीं आया हूं, नहीं इसके लिए नहीं आया हूं इधर। नहीं 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 ये तो करना पड़ेगा, उनको बोलो ना, उनको बोलो भी साथ में। ब्लेंड कर रहा हूं मैं अभी, नहीं गाइस मैं इसको ब्लेंड करना है ना अभी, तो मतलब तुम लवर ही नहीं हो मेरे। कर रहा हूं ना, और मैं इसको ब्यूटी क्यों नहीं बोला, ब्यूटी की क्यों जरूरत है, आप हो ना। नहीं आपकी कम है, चलो लेट्स इग्नोर दिस।
तो गाइस फटाफट ये कैसे प्लान ऐसे 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 प्रॉपर प्रॉपर अब कुछ नहीं करना है बस ना नहीं नहीं वेट ये नहीं कर रहा हूं मैं यार देखो मेरा हो गया नहीं नहीं देखो हो गया मैं और नहीं मैं एक चीज बताना चाहती हूं मेरे भाइयों ने भी ये सब बहुत किया है इनको मैंने लिपस्टिक लगाई मैं भाई बनने नहीं आया हूं इधर कोई बात नहीं भाई नहीं ये कुछ है थैंक यू सो मच ये फेक लवर है फैमिली ये कोई हरकतें है जो ये कर रही है बंदी ये क्या कर रही है लड़की भाई सच्ची में सो गाइस प्यार को साबित करना कोई सौखा काम तो है नहीं तो ऑब्वियसली हम कोई इजी काम करवाने नहीं वाले तो आई वांट टू नो कि क्या कर सकते हो तुम मेरे प्यार के लिए सब कुछ कुछ भी कुछ भी कुछ कुछ भी मतलब कि कुछ कोई चीज डिफिकल्ट भी हो तो भी कितनी भी डिफिकल्ट हो तो भी सोच लो सोच के हां कुछ ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम ही नहीं है सिंपल पानी पीना है पहले तो पूरा नहीं नहीं पूरा नहीं पीना थोड़ा ही पीना चाहिए बाद में ऐसे तो सब लोग पीते राइट पानी मुंह लगा के पीना नहीं वो भी सब पी लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है करना कुछ नहीं है पहले मैं यू नो बताऊंगी कि पहले मैं डेमो दिखाऊंगी गाइस कि क्या करना क्या है सो हम बुलाते हैं हमारे इधर के सबसे बड़े यू नो सांप को नॉट एक्चुअली वाला स्नेक नॉट दैट स्नेक और वो भी नहीं जो हम लोग यू नो अपनी लैंग्वेज में स्नेक बोलते हैं लाइक स्नेक की खूबियों जैसे बोल सकते हो हम बुलाते हैं हमारे इधर प्यारे ऋषि देव जी को आइए आइए डूडी आइए ये कोई तालियां मारने वाली बात नहीं साहब क्या होता है व्हाट डू मीन बाय साहब यार जो आप वो मतलब जो चीज मैं आपको करवाने वाली हूं ये चीज साहब ही करते हैं ना मुझे भी नहीं पता भाई एक मिनट रुक जाओ हां क्या यार डूडी गाइस सबको पता है नहीं पता तो मैं बता देती हूं भैया अपने नाक से पानी पी सकते हैं प्रॉपर पानी हो गया दूध हो गया और ये कब हुआ क्यों झूठ मत बोलो इनको आता है झूठ बोल रहे हैं अरे गाइस मैंने वो बचपन में किया था क्योंकि हमारे जो योगा वाले थे वो कह रहे थे इससे सीधा पानी अंदर जाएगा या दूध मैं दूध पीता हूँ पानी दूध पानी नहीं पीता पानी पी के दिखाना यार मैं लवर है मैं थोड़ी हूं यार आप दिखाओगे तो ही तो वो करेगा कैसे करना है आपको पता होगा ना योगा वाले टीचर ने इनको सिखाया है और योगा वाले सिखाया सिंपल है नहीं दिखा ना आपको दिखेगा एक बार पी के देखो दूध नाक से पी भी रहे हाय भाई टैलेंट आई है यहाँ नाक से पी लोगे जाता कंटिन्यू चुप रहे चूहे भी अंदर जाते होंगे आप तो डिनर ही कर लिया कल पानी गई बस ये नहीं समझ आ रहा आएगा कैसे पास में उधर नहीं देखना इधर इधर बात चल रही है अभी चलो ठीक है आपके लिए कुछ भी सोच लो बहुत कैलोरीज है देख घबराहट हो रही है ना थोड़ी थोड़ी देख के घबराहट हो रही है ओ भाई ये बंदा ना बड़ा ही एकदम ये बंदा लफड़ू लग लफड़ू क्या होता है नहीं वो कहता है एकदम लवेंडर हाँ मतलब चारा एकदम डाइट में जी रहा है अपनी जॉयलाइन निकाल रहा है उसको देख लो क्विट कर सकते हो मुझे बोल सकते हो कि आप फेक लवर हो तो मैं दोनों में से डिसाइड करूंगी नहीं अभी भी अरे दो तो सही अरे दो तो सही अरे सुनो मेरी सुनो हां एक सेकंड सॉरी सही पहला बाइट आप खाओगे उसके बाद मैं नहीं खाती नहीं यार मेरी दांत जब मैं इतना प्रूफ कर रहा हूं जब मैं इतना पूरा खा रहा हूं तो आप भी एक पीस खा सकते हो एक पीस यार मैं नहीं खाऊंगी मुझे मीठा पसंद नहीं है सही बात है मैं एक पीस खाने की बात कर रहा हूं हमेशा लड़के ही प्रूफ करें हां ऑब्वियसली लड़कों को ही पहले हमेशा लड़के ही प्रूफ करें यार क्यों ना प्रूफ मैं बता दूं मेरे ना दांतों में बहुत सेंसिटिविटी है अगर मेरे साथ में दर्द चालू हो मेरे दांत लोहे के हैं मैं ये पूरे खा लूंगा हां मैं ये पूरे खा लूंगा मेरे दांत लोहे के हैं मैं दांत लोहे के अरे पूरा खाओ तुम्हें तो खानी पड़ेगी ना ना खानी पड़ेगी उधर देख के बहुत डायबिटीज है कोई बात नहीं पुरानी वीडियो देख के आई थी वही सेम हरकतें कर रही है वही लाइनें मार रही है जो आपने मारी थी तो मैं देख लेते देखते कितना पहचान लेती है ओह माय गॉड ऐसी लड़की को कभी डेट ना करेगा जो चॉकलेट खाने बोल रही है मुझे कोई नहीं करता अटेंशन खाओ सही और खाओ खाओ क्या बोलता नहीं नहीं ऐसे 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 बोल सकते आवाज आ रही है
बाहर निकालो, कुछ भी करो, अब सब आ गया है। चलो चलो बाय बाय, नहीं अभी थर्ड राउंड में मिलते हैं, बाय गाइस बाय। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मेरे जैसे ना बनिए। सो गाइस अब है राउंड 3 की टर्न और लेट्स सी यार किसका प्यार सबसे ज्यादा दिखता है, बिकॉज इसमें एज यू नो क्या होने वाला है, इन लोगों को डिबेट करनी है, झगड़ा करना है, जो करना है करो, पर मेरे लिए करना है कि यार किसको लगता है कि वो सच्चा प्यार। यार अभी इतना तो बंदा करे, मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, करो मेरे लिए झगड़ा करो। ये मॉडल को बोल रही है कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं। यार तेरा मजाक नहीं बनाना, ये तो पक्का नहीं है, मैं समझ। टाइम स्टार्ट हो रहा है, 3 2 1 गो। 2 मिनट है, लड़ो। इधर हाथ हटा जरा, हाथ मत, हाथ कहीं नहीं आ रहा है। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को सुनो। बॉडी मेरी ज्यादा है, लड़ तो तुम वैसे सकते नहीं हो, लड़ तो वैसे नहीं सकते मैं से। अच्छा अच्छा, तुम दोनों लड़ ले, तुम लड़ ले, मतलब है ना। उसकी आंखों का कलर क्या? किसकी? किसकी? दीक्षा? हाँ, काला ही होता है आंखों का कलर। नहीं देखना नहीं है, क्या क्या है? मैं तो डूब गया उसकी आंखों में। तो कलर क्या? कलर स्विमिंग में आती है और डूब गया उसकी आंखों में, इसलिए तो आती नहीं है, इसलिए तो डूब गया। इसकी आंखों का कलर हेजल, हेजल ब्राउन है। जो हेजल ब्राउन है, कुछ तो ब्राउन है, ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है। बेसिकली इंडियन की होती है ऐसे, ये ज्यादा ज्ञान दे रहा है, कुछ ब्लैक नहीं है। इससे बड़ा हिपोक्रेट आज तक नहीं देखा। ब्लैक नहीं है पर ब्राउन है, कुछ तो ब्राउन है। अच्छे से ट्राई कर ले, क्वेश्चन का खुद आंसर रॉन्ग है। अच्छे से ट्राई कर ले, अच्छे से ट्राई कर ले। ऐसा प्रिंसिपल है तो बच्चे फेल ही होने हैं। कंप्यूटर अच्छे से, अच्छे से ट्राई कर ले। लड़ क्या लड़ यार, लड़ो, तुम तो बातें करने लग गए भाई। इतना जोर से चला के तो मेरे को तो नहीं रहना है। हां तो क्यों यार, ये क्या बात है, खत्म हो गया। तो देखा आपने आगे लापरवाही का नतीजा देखा। तो गाइस मेरे हिसाब से तो ये बंदा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत रूड था मेरे से। इसने मेरे से इतनी ज्यादा रूडली बात की है कि मैं क्या बताऊं। ओके ठीक है, और इसने मुझे रोस्ट भी किया है, ये मेरे लिए झगड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, तो सॉरी ब्रो, आउट। ओह तो देखा आपने, आउट कर दिया गया। सच कड़वा होता है, सच कड़वा, कोई बात नहीं, कड़वा ही होता है, हम कड़वी दवाइयां पी लेते हैं। चलो अब गाइस आप देख सकते हैं ये दो धुरंधर शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा विनर बनता है दीक्षा के प्रोस्पेक्टिव में, और फिर दीक्षा की बेइज्जती होती है, इज्जत होती है, वो पता लगेगा आने वाले वक्त में। कंटिन्यू दीक्षा। यार देखो अभी प्रॉब्लम ये, एक ने नाक से पानी पिया जो इतना डिफिकल्ट चीज थी नहीं, इतना तो डिफिकल्ट था नहीं, इतना नहीं, ये कर भी नहीं पाई थी। बात सही, मेरी बात अलग है। और एक ने यू नो मेकअप किया प्रॉपर अच्छे से, बट लिपस्टिक बहुत डिफिकल्ट यार। हाँ पर जो डिफिकल्ट चीज थी वो थी लिपस्टिक। अब मैं चूज कर ले यार, हमने देख लिया, चल चल ले, आ जा ना जा, वो भी कर ली। नहीं नहीं नहीं, जेन्युइन जेन्युइनली चूज करेंगे, पिंकी पिंकी पोंकी, पिंकी पोंकी पोंकी केड़ा का मोंगी, चलो जल्दी चल। अबे हमने घर भी जाना जल्दी। सो गाइस मेरे हिसाब से म्यूजिक यार खुद नहीं देना, हम म्यूजिक लगा सकते हैं। इतना बजट है, बजट है, बजट है। कंटिन्यू। अरे यार हो गया, चल ना बस, ये तो नहीं है मतलब। सो आई थिंक द विनर इज अदित्य। अदित्य कबूल नहीं, अदित्य डंकी वाला जीता है ये हमें लगता है। अब देखते हैं दीक्षा का वर्डिक्ट कैसा था, तो कौन था विनर, हाथ ऊपर करें। तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, बोला तेरा क्या बिगाड़ा, बोला तेरा क्या बिगाड़ा, बोला तेरा, बोला तेरा, बोला तेरा क्या बिगाड़ा, बोला तेरा क्या बिगाड़ा, बोला देखिए मैं सच था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, और इधर मेकअप लगाया। ये बड़ा बोलती थी मुझे कि आपको तो पहचान नहीं है लड़कियों को, तो तुझे बड़ी लड़कियों की
आप प्लीज कमेंट करें, अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे संजय का वर्जन। नहीं रुक जा, सीरीज खत्म नहीं होती, सीरीज आएगी। नहीं संजय, जाने से पहले हाउ इज द जोश, हाउ इज सर, ये होता सब बोलते क्यों नहीं।